ये यहाँ जाता है और सही लगता है। महंगा दिखाओ यार, ये क्या है? ये अच्छा है, मस्त है। हटाओ यहाँ से, कुछ और दिखाओ। पैसे देता हूँ। माँ, मुझे भूख लगी है। आप भी आइए। तुम रास्ते के बीच में क्या कर रही हो? चलो साइड हो जाओ। और तुम मेरी बेटी को धक्का क्यों मार रही हो? माँ, क्या कुछ खाने को ला सकते हैं? हाँ, मैं अभी कुछ लाती हूँ। हाँ जी, देखिए इसको ट्राई करके देखिए। माफ कीजिएगा, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? ऐसे कैसे घुस रहे हो? हाँ माँ, लगता हम यहाँ भूखे रहेंगे। ऐसे नहीं रहते हैं। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम यहाँ पर 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ माँ, रुको, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो? माँ माँ दो लूंगा। अबे जा, किसी और से ले लूंगा मैं। क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? वो दिख नहीं रही है। बच्चों, मेरी माँ खो गई है, किसी ने देखा क्या? हे, तुमने मेरी माँ को देखा क्या? हे, मेरी दुकान के कस्टमर्स को तुम क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ चलो भागो यहाँ से। आप इसे पकड़ो। माँ, वापस आ जाओ ना। आज तो मैंने बहुत बड़ा शिकार मारा है। तुमने हमारे बिना शिकार किया? नहीं, मैं एक बूढ़ी औरत का पर्स चुरा रही थी, लेकिन वो उल्टा मुझे ही भारी पड़ गया। नहीं, उसने मुझे देख लिया। बहुत अच्छा है। ये पागल कौन है? इसकी माँ खो गई है क्या? बेचारी को तो देखो, इसकी माँ छोड़ गई है ऐसे। हमारे बाजार में कोई भिखारी नहीं चाहिए, ठीक है? तू जा कहीं और जाके अपनी माँ को ढूंढ। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम हमारे एरिया में बिल्कुल मत दिखना। हाँ, चलो भाग गए। अबे आज कौन सा तुम्हें नया बकरा मिल गया? मैंने कहा रुक जाओ। नेट, तुझे क्या हो गया है? खबरदार, अगर उसे हाथ भी लगाया तो। क्या? चलो तुम मेरे साथ चल रही हो। कहाँ ले जा रहे हो? देखो तो उसे, हमारे साथ पंगा ले रहा है क्या? ये है हमारा छोटा सा घर, और अब से ये तुम्हारा भी घर है। ए, भाई तू क्या कर रहा है? ये लड़की हमारे इलाके में थी, जहाँ हम काम करते हैं। अगर निकालना ही है तो पहले इसको हमारे इलाके से निकालो, क्योंकि ये हमारे इलाके में है। अगर इस बार तुमने इसे हाथ भी लगाना तो तुम इस कचरे के डब्बे में सोगी। समझ आए कि नहीं? समझ गई मैं। ये इस लड़की के लिए इतना भड़क क्यों रहा है? नहीं, शायद उसे पसंद होगी। तुम लोग कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? हम हैं सड़क के चूहे, और ये हमारा छोटा सा। तुम्हारे माँ बाप नहीं है? अरे नहीं नहीं, हम तो अनाथ हैं। और हम किसी अनाथ आश्रम में नहीं रहना चाहते। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम हमें मिल गई, वरना तुम बाकियों की तरह कचरे के डब्बे में सोती आज। और मैं यहाँ पे क्या करूँ? तू हमारे साथ काम करेगी। ले पकड़। क्या तुम्हें जहाज के पुर्जे बनाने हैं? हम चोर है टीना, चोरी बाजार में चोरी करना हमारा काम है। मुझे चोरी करनी होगी? हाँ बिल्कुल, तुम छोटे से शुरू करोगे, पर्स को चुराना। अरे तुम तो उसमें माहिर हो जाओगी। लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं, नहीं करूँगी तो पता नहीं क्या होगा। आप इसे प्लीज एक बार ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही, इसकी क्वालिटी जो है कपड़े की बहुत अच्छी है। पर मैं क्या करूँ? पॉकेट चेक करो अपना। यहाँ पर बेचने वाला तो कुछ भी नहीं है, बस कचरा है। मुझे डर लग रहा है। तुमने उन्हें आखिरी बार भी नहीं देखा? तुम्हें बॉडी की पहचान करने के लिए मजाक कर रही हो? डर सिर्फ पहली बार लगता है, बाद में सब आसान हो जाता है। अरे अब चलो भी, उस फोन को चुरा लो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। चलो भी, तुम कितनी डरपोक हो। ये बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। हे, मैं सब देख रही हूँ। तुम लोग मेरे कस्टमर्स को लूटने की कोशिश कर रहे हो। हे, क्या तुम मेरे कस्टमर को भगाना चाहती हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। अरे यार, ये लड़की हमेशा ऐसा ही करती है। हो गया, बढ़िया। अरे वाह, क्या बात है, पहली बार में अच्छा किया। अरे मैं तो देख के पहचान गया था तुम किसके लिए बनी हो। बस ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं होता। लंच और पिज्जा के साथ मैं कैफे में तुम्हारा इंतजार करेंगे, देर मत करना। हाँ तुम चलो, मैं बाद में आती हूँ। क्या हो गया है मुझे? मैं चोरी कर रही हूँ, माँ को पता चला तो नाराज होगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा, माँ के पास कुछ तो करना होगा। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि कोई उठ जाए यहाँ से।
धीमे करो, क्या तुम सच में भागने की सोच रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे चोरी पसंद नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम अकेली पड़ गई हो, तुम्हारी मॉम नहीं है, हम तुम्हारा हमेशा साथ। मेरे पास अपना घर है, मैं वहाँ जाकर अपनी माँ का इंतजार करूँगी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जाने दो, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ जाओ, खुशी से करो, मगर ये मैं सोचा तुम्हें घर मिल जाएगा। अगर तुम चाहो तो ये जगह भी तुम्हारा घर बन सकती है। और दोबारा चोरी करूँ? अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। टीना, क्या तुम्हारा इरादा बदल नहीं सकता? अलविदा, जगह देने का शुक्रिया। नहीं, मैंने उसे दोबारा खो दिया। यहाँ पर बेचने वाला तो कुछ भी नहीं है, बस कचरा है। हाँ, और उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के लिए हमें पैसे भी नहीं दिए। कौन हो तुम? हम यहाँ चीजों की लिस्ट बनाने आए। और तुम कौन हो? मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। तुम लोग यहाँ पर लिस्ट क्यों बना रहे हो, बताओ? सुना तुमने, ये इस कबाड़े को अपना घर बता रही है। तुम्हारा घर कर्जे की वजह से जा रहा है और हम सब कुछ यहाँ पर बेच रहे हैं। अब सोचना भी मत, अब ये हमारा है। नहीं, ये मेरी माँ का है, मुझे दे दो। क्या कम से कम आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? नहीं, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर यहाँ नहीं देखना चाहती, चली जाओ। क्या मैं कम से कम कुछ सामान ले सकती हूँ? नहीं, हम सब कुछ बेच देंगे। प्लीज ऐसा मत करो। तुम ये फोटो ले जाओ और भाग जाओ, लेकिन फ्रेम छोड़ दो, वो हम बेच देंगे। देखो, आप क्यों खड़ी हो, चलो निकलो। ओह, प्यारा सा ये घर मुझे बहुत ज्यादा याद आएगा। वो चली गई, वो मुझे छोड़ के भाग गई, उसे मुझे छोड़ दिया। तूने ही तो उसे जाने दिया, गधे। अगर तूने दोबारा बोला ना तो पिछवाड़े पे लात पड़ेगी और कुत्ते की सवारी भी करेगी तू। मुझे कुत्तों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस कर अब। तुझे उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है, क्या हो गया भाई तुझे? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बाहर अकेली है, अकेली सड़क पर। अगर किसी ने उसे किडनैप कर लिया तो, अगर उसे भूख लगी तो, या फिर ठंड से तड़प के मर गई तो। बंद करना यार। अब मुझे पता चला तू तो उसके लिए पागल हुआ जा रहा है। बिल्कुल मैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? मिया सही कह रही है, तू टीना के लिए बिल्कुल पागल हो गया है। तुम सभी चुपचाप होकर मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, तुम सभी के सभी अभी के अभी उसे ढूंढने के लिए जाओगे। निकाल हर एक कूड़ेदान, हर एक नुक्कड़ पे, हर एक नाली, हर एक गटर में, हर एक कोना चेक करो, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। वरना क्या, तुम सभी की खोपड़ी को तुम्हारे पिछवाड़ में दे दूंगा। निकाल यहाँ से। सर्दी में मैं इधर उधर घूम रही हूँ, मॉल में कुछ देर गर्म हवा ले लेती हूँ, ठीक रहेगा। चले जाओ यहाँ से, यहाँ भिखारियों के लिए जगह नहीं है। मैं भिखारी नहीं हूँ, उम्मीद है मेरी माँ आ जाए, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। ये औरत, इसे देखा हुआ लगता है ये माँ जैसी दिखती है, क्या ये माँ ही है? बात सुनिए जरा। क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, ये मेरी माँ की तस्वीर है, वो खो गई है। नहीं, मैंने आज से पहले इस औरत को कभी नहीं देखा। देखिए, आपने इन्हें देखा? तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से तुम। अरे क्या हुआ? मेरी माँ खो गई, सभी भगा रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ चली गई है, कोई ढूंढने में मदद नहीं कर रहा। ओ बहन, तुम्हें भूख लगी होगी है ना? रुको, ये लो, आप प्लीज कुछ खा लो। हाँ शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे यकीन नहीं होता तुम बिना मम्मी के इतना भटक रही हो। तुम्हारी मम्मी अब कैसी हैं टीना? हम बहुत गरीब थे, पर मेरी माँ मुझे हमेशा खुश रखती थी, हमेशा। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। बस अब रोना बंद करो। अरे नहीं, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। किसने? तुम क्या बोल रही हो? माफ करना, मुझे भागना होगा। कुछ
दिखा तुम लोगों को? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। वो सच में वहाँ थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम खड़े क्यों हैं? चलो उसे पकड़ लेते हैं। बेवकूफ, वो हमें अंदर घुसने नहीं देंगे। हम यही इंतजार करते हैं जब तक वो आते नहीं। बेवकूफ, जब तक इन्हें पता लगेगा मैं निकल जाऊंगी। टाइलर, मैं कुछ भी देख नहीं पा रही हूँ, मुझे उठाओ। हाँ क्यों नहीं, अबे हाथी है तो समझी। चलो जल्दी करो। आजा चढ़ जा। जब तक ये बेवकूफी करते रहेंगे मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। चलो फिर, बाय बाय। वो रही वो। अरे यार ये भिखारी साले फिर से आ गए, क्या कर रहे हो यार, चलो निकलो यहाँ से। सॉरी सर, मैं जा रही हूँ। ठीक है। अरे उसका पीछा करो। अरे देर क्यों लगा रही है? माफ करना ग्वेन, बहुत भारी है। क्या, मैं तुझे भारी लगती हूँ? बड़े खुश लग रहे हो भिखारियों, चलो तुम्हें पुलिस स्टेशन घुमा के लाता हूँ। कहाँ गई तुम, मुझे तुम मिल के नहीं रही हो। काश तुम मुझे जल्दी ही मिल जाओ तो अच्छा है। आखिर हुआ क्या, किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। अगर वो मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। एम्बुलेंस, ओह नहीं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। मुझे पता लगाना होगा। ओ, मैं अस्पताल में जाके देखती हूँ। नेट, हमने उसे ढूंढ लिया है। बहुत बढ़िया, बताओ कहाँ पर है वो? वो हमारे हाथ से। हमने उसे खो दिया। तेरी माँ का। ओ, अब मारा क्यों? तुम मेरे बिना किसी भी काम के नहीं हो, वो तुम्हारे सामने थी, उसके बावजूद तुमने उसे जाने दिया। वो मॉल सिक्योरिटी ने हमें पकड़ लिया था। हाँ, और उन लोगों ने हमसे मिलकर सफाई करवाई, नहीं तो वो पुलिस को बुला लेते। तुम सभी एक नंबर के निगम में हो। एक मिनट, कहीं वो मॉल में तो नहीं थी? हाँ, और फिर वो भाग गई वहाँ से, शायद वो मॉल के नॉर्थ में थी। वैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस हॉस्पिटल को छोड़ के वो वहीं पर है। क्या हम हॉस्पिटल जाकर उसे ढूंढे एक बार? हाँ बिल्कुल, मगर मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुम सभी किसी काम के नहीं हो, मैं उसे खुद ढूंढूंगा। मैं माँ को अपनी कैसे ढूंढूं? माफ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? आज भिखारियों के लिए फ्री में खाना नहीं है, तुम प्लीज कल आना। हाँ नहीं, मैं इसलिए नहीं आई हूँ। क्या इस औरत को किसी ने एम्बुलेंस में देखा है? ओ, वैसे मैं उसका चेहरा नहीं देख सकती हूँ, मैं अपना चश्मा वार्ड में भूल आई हूँ। रुको, काले बालों वाली। अरे नहीं, पर क्या हुआ? क्या तुमने कहीं देखा? नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ बीमार लोग हैं। हाँ कल एक आई थी, करीब 40 साल की। क्या हुआ उनके साथ? एक हादसा था, चेहरा बहुत खराब है कि मैं दिखा नहीं सकती। अरे वो वहाँ पर है, मुझे मिल गई। भाई तू ठीक तो है? अरे बाबा क्या कर दो। अरे नहीं, ये तो नेट है। बताओ उस औरत के साथ क्या हुआ, मुझे बहुत जल्दी है। तुम्हें इस जानकारी के लिए तैयार रहना होगा। थोड़ा जल्दी बताओ ना। नहीं, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो चल बसी। नहीं नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। अब टीना को पकड़ो। नहीं, मुझे अब जाना होगा। क्या करूं इसका? अरे वो भाग गई। क्या? उसकी वजह से हमने उसे दोबारा खो दिया। अबे सारे तेरी तो मैं। नहीं, बस करो। चलो उसे ढूंढते हैं अभी। चुप रहो, तुम मछलियों को डरा दोगी। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी मामा, मुझे पता था वो वापस आएंगी, पर वो चली गई, वो नहीं रही। मैं मछलियों की बात कर रही थी। मुझे पता चला कि वो हमेशा के लिए चली गई है। अरे माफ करना। ठीक है ठीक है। सुनो, क्या तुमने अपनी मम्मी को खुद देखा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो तुमने उन्हें आखिरी बार भी नहीं देखा? उन्होंने कहा। क्या कह रही हो? मजाक कर रही हो? तुम्हें बॉडी की पहचान करने के लिए पोस्टमार्टम ऑफिस जाना होगा। पर उन्होंने कहा मैं उनका चेहरा नहीं पहचान पाऊंगी। शायद
तुम्हें उनके शरीर पर कोई बर्थमार्क मिले या टैटू? याद आया, उनके हाथ पर एक टैटू भी है। देखा, तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा और उन्हें देखने के लिए मनाओ, उन्हें देखो। पर सच ये है, मुझे डर लगता है। सोचो अगर वो वहाँ पर नहीं हुई तो कैसा लगेगा तुम्हें? मैं बहुत खुश होती। बिंगो, अगर तुम्हें एक भी मौका मिले तो उसे अपने हाथ से जाने मत दो कभी भी। शुक्रिया, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी ट्रिक्स हैं। तुम कुछ भी सह रहे हो, हम यहाँ हैं। एक मिनट, एक बहुत जरूरी सवाल है मेरे पास। हाँ, अब क्या बात है? हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे पोस्टमार्टम ऑफिस में जाकर देखना है कि वो मेरी माँ है कि नहीं। वहाँ टैटू होना चाहिए। पोस्टमार्टम? क्या तुम पागल हो गई हो? ये नहीं हो सकता। प्लीज समझो, मुझे जाकर एक बार उन्हें चेक करना ही होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, और सोचना भी मत। प्लीज समझो, मुझे चेक करना होगा मेरी माँ है कि नहीं। बस एक बार मुझे देख लेने दो। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। टीना, मैंने उसकी आवाज सुनी। इसकी तो मैं। अंदर आओ, घबराओ मत, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तैयार हूँ। टीना, आराम से गहरा सांस लो। तो क्या यही है? वहाँ टैटू नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है। माँ जिंदा है? अच्छा हुआ मैंने उस औरत की बात मानी, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। अच्छा है कि तुम जिंदा हो, अब कैसे भी करके मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये तो माँ के नाम पे है, इसका मतलब वो जिंदा है कहीं और है, पर मुझे नहीं पता। मुझे जाके पता लगाना ही चाहिए ना। चलो टिकट ले लो, क्रेजी घर जाने की आखिरी बस है, उसके बाद नहीं मिलेगी, जल्दी लो। मुझे लगता है मैं माँ के लिए वक्त खराब कर रही हूँ, वो नहीं आएगी। अरे दीदी, आपको क्रेजी घर जाना है क्या? नहीं, मैं माँ का इंतजार कर रही हूँ। अरे दीदी, कमाल कर दी, मेरे ख्याल से आखिरी बस भी निकल गई है, रुकने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या आज वो नहीं आएंगी? हो सकता है तुमने किसी और औरत को देखा होगा, क्या इस औरत को पहचानते हो? नहीं दीदी, देखा तो नहीं है, डिस्टर्ब बहुत हो गया, मेरे को निकलने दे। चलो रे, जो भी टिकट ले लिया है बस में चढ़ो रे। जरा सुनिए, क्या आपने इनको देखा है? क्या सुनिए, क्या आपने देखा है? क्या आपने देखा है? बताइए बताइए। कोई भी मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है? टीना, मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकाला, तुम्हारे हाथ में फोटो क्या कर रही है? तो मैं क्या करूँ, माँ का इंतजार ही कर सकती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम्हें सच में मिल जाएंगी? मुझे उनकी बस का टिकट मिला है, वो जल्दी ही आ जाएंगी। टीना, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, मगर वो कभी भी नहीं आएंगी। चुप करो, और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें कैसे पता? बताओ तुम्हें कैसे पता? ऐसे क्यों कहा? नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ टीना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं अनजानों से बात नहीं करती हूँ। और ये क्या है? देखकर लगता है कोई अपना माल भूल गया है। वाह, ये तो जैकपॉट है, करोड़ होंगे ये। पैसा! अरे वाह, अब तो मैं माँ को ढूंढ सकती हूँ। इन पैसों से बहुत मदद मिलेगी, माँ भी मिल जाएगी, अब मैं खुश रहूंगी। टीना रुको, मुझे नहीं लगता कि हमें पैसों को इस तरीके से यहाँ वो घुमाना चाहिए। तुम पैसे चुराना चाहते हो? मैं लूजर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरती, मैं डरती नहीं, बस तुम अपने बारे में सोचो, समझे? आखिर ये टीना इतनी जिद्दी क्यों है? अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा है, अब माँ को ढूंढ लूंगी, फिर जिंदगी जीने का बहुत मजा आने वाला है। Oh,
हेलो प्यारी लड़की, चलती हो क्या 9 से 12? मैं अनजानों से बात बिल्कुल नहीं करती हूँ। अरे बाप रे, इतना सारा माल इस भिखारी के पास किधर से आया? आ यहाँ अकेली टाइम पास मत करो। मैं टाइम पास नहीं कर रही, मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ पर खो गई थी? बाजार में। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैंने हर जगह ढूंढ लिया है। अच्छा तो वो माल तेरे को किधर से मिला बता मुझे। हाँ पैसे मिले हैं मुझे, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। देखो कितना बड़ा बैग है, ऐसे मिला पैसा जैसे कोई जादू हुआ हो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ को तो मैं ऐसे ही ढूंढ लूंगा। पर कैसे, और तुम कौन हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक फोन लगा के तुम्हारी माँ को ढूंढ भी सकता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, पर मैं क्या करूँ? ये पैसे मुझे दे दो। क्या? नहीं। तो फिर तुम्हारी मॉम तो नहीं मिलने वाली तुम्हें। पैसा ढूंढने से माँ का क्या लेना देना है? देखो पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा देने से कुछ भी हो सकता है, पैसा ना देने से बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। और जैसे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा पैसा नहीं दोगी तो। नहीं रुक जाओ, अगर माँ को ढूंढने में इससे मदद मिलेगी तो मैं तैयार हूँ, बस माँ मिल जाए। तो फिर सोच क्या रही हो, जल्दी पैसे लाओ। मैं क्या करूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? नहीं, तुम्हारे पैसे लेने के लिए ये प्रैंक किया मैंने। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। देखिए मैडम, ये पीस पूरे चोर बाजार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ भले ही वो बेवकूफ है, मगर मैं उसे ऐसे सड़क पर घूमने नहीं दूंगा। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तू उस पे इतना फिदा क्यों है। खैर मुझे क्या कर जो करना है। सही कहा, अगर वो मेरी मदद नहीं लेना चाहते तो हो सकता है कि शायद वो किसी और की मदद ले ले। उस औरत को देखा वहाँ पे? खैर मोटा मॉल है। हाँ तो क्या करूँ? वो अमीर औरत किटी है, सुना है यहीं पास में ही रहती है, और उससे एक नौकरानी चाहिए। अरे मैं जानता हूँ इसको। हाँ बिल्कुल, इसे काम बन जाएगा। ओए रुक, उसके पास सिक्योरिटी है। मैडम मैं तुम ऐसे कैसे घुस रहे हो? हाँ खासकर तुम जैसे लोगों का मिलना मना है। मगर मेरी एक बार बात तो सुन। अरे तुझे मेड चाहिए थी ना, चलो निकलो यहाँ से। मेरे पास कोई है जो कि तुम्हें पसंद आएगी, उसका नाम टीना है, उसने अभी फिलहाल अपनी माँ को खो दिया। रुको एरियल साइड हो जाओ। हाँ बोलो। टीना मेरे लिए काफी मायने रखती है, अब मैं उसकी काफी इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके सर पे छत हो और एक अच्छी सी जॉब भी हो। हाँ मैंने भी ऐसा सुना तो है, मगर अगर वो सच्ची है तो। आपने क्या कहा? कुछ नहीं, उसे कहना मैं इंतजार कर रही हूँ। प्रॉब्लम ये है कि वो फिलहाल मुझसे बात नहीं कर रही। एरियल उसे ढूंढो, हमें उसे तुरंत मिलना चाहिए। यक, तुम कौन हो? माफ कीजिए, मैं भटक गई थी, मुझे भूख लगी है, मैं खाने के बाद चली जाऊंगी। ये भिखारी लोग, सिक्योरिटी बुलाने की जरूरत लगता है। ओ वाओ, इतनी जल्दी आ गई, अभी तो बस मैंने सोचा था इसके बारे में। तुमसे मिलने नहीं आई, तुम टीना हो? हाँ मगर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो ये कचरे से उठा के खाया है। ए, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शायद ये सड़क छाप हो, लेकिन उसके साथ ऐसा बर्ताव मत करो। ओए छोड़ दो उस लड़की को। मैं नहीं जाऊंगी, कचरे से उठा के खाना जुर्म है क्या? तुम्हें मेरे साथ आना होगा, मुझे तुम्हें ले जाने का ऑर्डर मिला है। उसे किडनैप करने की कोशिश कर रही हो? छोड़ दो उसे, वो बच्ची है। नहीं मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगी, मैं खतरनाक नहीं हूँ। मिसेस किटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या हद हो गई, रोज अकेली लड़की को उठा ले जाती हो। आपका स्वागत है। ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ, ये सब क्या है? ये मेरा महल है और तुम हो मेरी नई नौकरानी। मैं क्यों, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। टीना मैंने तुम्हारी कहानी सुनी, तुम्हारी माँ के बारे में जान के बहुत अफसोस हुआ। तुमने सुना, किसी ने बता दिया? फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी कहानी ने मुझे सच में रुला दिया। खैर भूल जाओ, चेंज कर लो और सफाई शुरू कर दो। पता नहीं मिसेस किटी का घर इतना बुरा भी नहीं है, मुझे बहुत पसंद आ गया ये। कितनी ज्यादा धूल है।
क्या इस डब्बे के अंदर किसी की अस्थियां हैं? क्या हो रहा है? चिल्ला क्यों रही हो? क्या इस डब्बे में अस्थियां हैं? बताओ इसमें किसकी अस्थियां हैं? बताओ मुझे इसमें किसकी अस्थियां हैं? मेरी एक नौकरानी थी मिसेस क्रिस्टी, वो हर हफ्ते कुछ दिन के लिए मदद करने आती थी और कल ही वो अचानक आई आंसू से भरी हुई, मदद के लिए भीख मांगते हुए। मैं और मेरी बेटी बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मेरी सारी सैलरी कर्जों में चली जाती है और हमारा घर भी गिरने वाला है। ओह क्रिस्टी प्लीज रो मत, मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरी बेटी खेल रही थी और फिर वो अचानक से गायब हो गई। आ, ये लिली कहाँ चली गई? लिली 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 कहाँ हो तुम? लिली रुको, मैंने खिड़की खुली छोड़ दी। मिसेस किटी, लिली खिड़की पर पहुंच गई थी, वो नीचे गिरने वाली थी लेकिन मैंने बचा लिया। लिली मेरी जान, मैं कितना डर गई थी पता है तुम्हें? वादा करो ऐसा दोबारा नहीं करोगी। और किटी तुम मेरी हीरो हो, मेरी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, मेरी भी तो एक बेटी है। ओह मेरी बेटी वहाँ अकेली मेरा इंतजार कर रही है। ओह मेरा दिल। क्रिस्टी तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे कुछ हो रहा है पर मेरी वहाँ बेटी। क्रिस्टी नहीं। और वैसे ही वो गुजर गई मेरे ही घर में। ये कैसे हो सकता है मम्मा? जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तो मुझे लगा तुम क्रिस्टी की बेटी हो, इसलिए मैंने तुम्हें घर बुलाया, पर सच तो ये है। पर मेरी माँ की अस्थियाँ यहाँ कैसे, तुम्हारे पास क्यों है? ऐसा मत बोलो, उसने मेरी बेटी की जान बचाई और वो काफी साल से यहाँ काम करती थी। हमने तुम्हें यहाँ किसी और परिवार को कभी नहीं ढूंढा, इसीलिए सम्मान में हमने उसकी अस्थियों को रखा। ये नहीं हो सकता है, मेरी प्यारी माँ चली गई। कहाँ हो तुम? नहीं 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 हो सकता ऐसा। नेट मेरी मामा। टीना, नहीं मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। कैसे, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम ऐसा कह सकती हो, मैं सब चीज में शामिल था। यार मेरे लड़के ऐसे क्यों हो जाते हैं, क्यों पागल हो जाते हैं, तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तुम्हारा भाई हूँ टीना। जब मैं पैदा हुआ था उन लोगों ने मुझे ऑर्फनेज में भेज दिया था क्योंकि हमारा परिवार कुछ ज्यादा ही गरीब था। और जब मैं 16 साल का हुआ तो मैं ऑर्फनेज से भाग गया, लेकिन मैंने मॉम से ये बात छिपाए रखी और मैं हमेशा दूर से तुम पर और मॉम पे नजर बनाए रखता। उसके बाद मुझ जैसे वहाँ पर और भी मिल गए और हमने धंधा शुरू कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारा हर जगह पीछा कर रहा था। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें यह पहले नहीं बताया। नेट मुझे माफ कर दो, तुम तो मेरे भाई हो। नहीं टीना, जब मुझे पता चला मॉम दुनिया में नहीं रही तो मुझे कैसे भी सामने आना ही था। अब हम क्या करेंगे? हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे छोटी, कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। अंदर चले आओ, अभी बाहर ठंड है। माफ कर देना मिसेस किटी, मगर मैं टीना को साथ ले जा रहा हूँ, इसे मॉम की सच्चाई पता चल गई है और ये भी कि मैं उसका भाई हूँ। क्या भाई, ये कैसे हो सकता है? देखिए कहानी बहुत लंबी है, बस ये मान लीजिए कि हम दोनों भाई और बहन हैं। माफ कर देना मिसेस किटी, मगर हमें जाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं नहीं चाहती मिसेस क्रिस्टी के बच्चे सड़क पर रहे। उसने मेरे बच्चे को बचाया और अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। सच में? हाँ बिल्कुल, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। वाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों का क्या, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। उन्हें भी ले आओ, मेरे बड़े घर में जगह है। ये। मैं कब से माँ की तलाश में थी और आखिर में मुझे वो मिल गई। ओह मेरे बच्चों। सच में हम लोग आपको कितना मिस करते हैं, हम कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं। हम बिल्कुल एक्साइटेड हैं।
कि हम सभी आपके साथ हैं। Hey guys, आज हमने एक ट्रेजिक वीडियो शूट किया। हाँ, अगर ये आपसे रिलेट होता है तो कमेंट्स में जरूर लिखो। ये वीडियो बहुत लोगों से रिलेट होता है, तो आप अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करो। और तुम समझ रहे हो ना। चलो, हमारे पास जो भी कमेंट आए हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हाँ, मॉम के बारे में जो भी कमेंट है वो मॉम के बारे में। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और हाँ, हम चलो इसके बारे में बात करते अच्छा, हैं। चलो मैं शुरू करती हूँ। हाँ बोलो। तो मेरा पहला कमेंट है, अब मेरे पास सिर्फ तुम हो क्योंकि मेरी मम्मी चली गई है और मेरे पापा को मुझसे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही ट्रेजिक और ड्रामेटिक है। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम खुश हैं कि तुम हमारे वीडियोस देखते हो और हम उम्मीद करते हैं कि वो तुम्हें थोड़ा सा सुकून दे और तुम्हारे स्पिरिट्स को बूस्ट करे। जान लो, अभी हम तुम्हारी तरफ वर्चुअल हग्स भेज रहे हैं और बहुत सारा तुम्हारे लिए प्यार बरसा रहे हैं। किसी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और याद रखो, चाहे कुछ भी हो, तुम औसम लोगों के बीच में हो जो तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तुम बस हिम्मत रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम बस खुश रहो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट पढ़ते हैं। मैंने 6 साल की उम्र में अपनी माँ को खोया पर मुझे अभी भी दर्द होता है। ये किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वो अपने बचपन में अपनी माँ को खो दे और ये उसकी ज़िंदगी में बहुत बुरा असर डालती है। ये बहुत मुश्किल है और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। एक माँ एक बच्चे के लिए क्या होती है ये बचपन ही जानता है। और तुम्हारे लिए हम प्रेयर करेंगे कि तुम इसी तरह से स्ट्रांग बनकर आगे बढ़ो। और इस समय हमें तुम्हें गले लगाने की बहुत इच्छा हो रही है, पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गर्माहट स्क्रीन के माध्यम से तुम तक पहुंच रही होगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने अपने किस्से हमारे साथ शेयर किए, हमें बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हम कुछ फ़र्क बना रहे हैं और तुम्हारे स्पिरिट को बूस्ट कर रहे हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, मेरी माँ ने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगी। मैं हमेशा उसके फ़ोन का इस्तेमाल करती हूँ तुम लोगों को ये बताने के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे समझ पाओगे। रूड तरीके से नहीं, मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करती हूँ। क्रेजी घर, क्या तुम लोग कभी महसूस करते हो कि तुम्हें कोई चाहिए? नहीं, क्योंकि कुछ लोग झूठ बोलते हैं और सोचते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अगर लोगों को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं माँ से प्यार करती हूँ। क्रेजी घर सच में एक दोस्त की तरह है। सच में ये देखकर दिल को बहुत सुकून मिला है कि मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ के बावजूद भी तुम खुले रहे, तुम या वो मुझे नहीं पता। ये सच में पॉजिटिविटी है, मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ। ये सच में एक पॉजिटिविटी को कायम रखता है और प्यार मौजूद है। देखो, आप या पास हो, ये मैटर नहीं करता है। ये वो पॉजिटिविटी है जो आप समझ रहे हो ना, प्यार करते हो वो उनके साथ रहते हैं। ये सच में बहुत अच्छा लगता है कि हम तुम्हें हिम्मत दे रहे हैं और तुम हिम्मत मत हारना। जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में भी मुझे लगता है कि तुम समझ रहे होगे, जिंदगी के मुश्किल पलों में भी हम सब तुम्हारे साथ हैं और हिम्मत बिल्कुल भी मत हारना। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम अकेले हो, लेकिन हम यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आज के वीडियो में भी दिखता है कि हमेशा कुछ रास्ता होता है और तुम्हारे आसपास लोग होते हैं जो सच में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जैसे आज टीना की मदद कर रहे हैं सब लोग, वैसे ही और मछली वाली थी और मैं भी थी। हाँ, और नर्स भी। तुम कुछ भी सह रहे हो, हम यहाँ हैं। क्रेजी घर और मैं तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ को साथ में जी रहे हैं और हम तुम्हें और खुशियों की बहुत सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेज रहे हैं। लॉट्स ऑफ लव। और पता है, हर अंधेरी रात के बाद एक उजाले का दिन आता है। तो मुश्किल समय हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है।
और मुश्किलों में ही हम आगे बढ़ते हैं। और शायद नहीं, जरूर कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हर कोई मुश्किल के पलों से गुजरता है जिसमें सब कुछ खत्म होने की तरह लगता है, दुनिया का अंत ही हो गया ऐसा महसूस होता है, जैसे हम कभी खुश ही नहीं रहेंगे। लेकिन ये जिंदगी ऐसा ही एक मजाक है, अगर बुरी चीजें ना होती तो अच्छी चीजें इतनी मीठी नहीं लगती। तो अगर तुम अभी मुसीबत में हो, अगर चीजें सच में बहुत मुश्किल है, तो ये सब कुछ किसी एक वजह से हो रहा है, और देखना वो एक दिन जरूर आएगा जब तुम सच में खुश होगे, जो हुआ है सब कुछ के लिए शुक्रिया कहोगे, क्योंकि बिना उस मुश्किल वक्त के ये जो अच्छी चीजें बाद में हुई है ना, ये सब उतनी अच्छी नहीं लगती। मैं ले लेती हूँ एक बार। मेरी माँ के पास एक बड़ा सा ड्रॉर था और मैं ड्रॉर पे बैठना चाहती थी। एक दिन उस ड्रॉर से मैं गिर गई और मेरी किडनी फेल हो गई। मेरी माँ ने अपनी किडनी दी और उन्होंने मुझे बहुत ही सेफ फील करवाया। ये तो बमर है यार, सच में माँ होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर माँ आपके साथ है तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई है, कुछ भी वो माँ संभाल लेती है। माँ से बड़ा कोई भी हीरो नहीं होता है सच में, और हमारी नज़र में वो एक बिग हीरो है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात कहूँ तो माँ से अटैचमेंट होती है, माँ एक बहुत बड़ी हीरो होती है सबकी लाइफ में। और हम अपनी माँ की बात करें तो वो तो रॉक स्टार है, वो सब कुछ संभालती है बिल्कुल, और हमें आगे बढ़ा रही है। तो शाउट आउट सभी माओं को और हमारी भी। तुम्हारी माँ का सच में बड़ा प्यार है, वो सच में सुपर हीरो है। और पता है क्या, हर मुश्किल के बाद जैसा क्रिस्टी ने कहा, सब अच्छा होता है देखो। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों के ही कुछ कमेंट्स, पढ़ते हैं ठीक है, तो शुरू करते हैं। हे क्रेजी घर, अगर तुम ये कमेंट पढ़ रहे हो तो मैं बहुत खुश होऊंगी। मेरी माँ प्रेग्नेंट है और हमें 1 महीने और 14 दिन इंतजार करना पड़ेगा। किस इज फॉर क्रेजी घर। ये तो अमेजिंग है। बहुत अच्छा है, सब अच्छा होता है देखो। मुझे लग रहा है ये तो पूरा ही एक नया चैप्टर है, ये बहुत अच्छा है। सच में सही बात है ना, सुपर कूल न्यूज है, बधाई हो गाइस, हम तुम्हारे लिए अमेजिंग है। और हाँ हे, क्या यहाँ पे तुम लोगों में किसी के पास सिब्लिंग्स हैं? हाँ सच जरूर। में असल में मेरा एक छोटा भाई क्या है। तुम उसके आने का इंतजार कर रहे थे? मुझे बहन की उम्मीद थी। लेकिन मैं खुश हूँ किसी के भी होने से। मैं सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे लगता है कि सभी के पास सिब्लिंग्स होंगे। और ये भी काफी मैटर करता है कि तुम्हारा उनके साथ जो वाइब है कि वो कैसा है। एवरीथिंग बेटर विद द साइड और साथ में सिब्लिंग्स के साथ किस तरह का बॉन्ड है तुम्हारा, वो भी काफी मैटर करता है, क्योंकि तुम उनसे सारी बातें शेयर कर सकते हो। हाँ। तुम उनके सामने कुछ भी कन्फ्रंट कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। और वो बात करने के लिए भी तुम्हारे साथ होंगे। ये तो तुम्हारे दोस्त जैसे हैं, जैसे एक बेस्ट दोस्त हो। हाँ, सच में बेस्ट। पर तुम लोग कमेंट ड्रॉप करना भूल गए हो तो हम बता दे कि कमेंट करो कि तुम्हारे सिब्लिंग्स है या नहीं, और हम सब पढ़ेंगे उसे। तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो। हाँ, कमेंट्स और लाइक्स आते जाएं दोस्तों। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने स्पेशली मोमेंट्स हमारे साथ शेयर किया। आप हम पे इतना विश्वास करते हैं ये बहुत, और आप कितना हमें अपना समझते हो कि आपने ये शेयर किया, ये बड़ी बात है सच में। हे गाइस, एक छोटी सी नोट, हम सिर्फ फनी चीजें नहीं करते जैसे कि आज कुछ भारी विषयों को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ गए जिंदगी सिर्फ रेनबोज और सनशाइन नहीं होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम जानो हर कहानी में कुछ अच्छा होता ही है, तो हिम्मत रखो, पॉजिटिव रहो, हम तुम्हें अच्छी वाइब्स भेज रहे हैं। तो लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत रखना, हम सब तुम्हारे साथ है। हम सब साथ मुझे बिल्कुल श्योर होना चाहिए। मैं लाइन तो देखो सीन क्या है कि तुम्हें उससे पूछना है कि तुम्हारी माँ यहाँ है कि नहीं। एक्साइटेड होना तो भूल ही गया। अब बता इसके बिना क्या करेगा साले? नहीं बस करो। मैं तो
बस इसके इसके लेट नहीं समझ नहीं आता ठीक है। अरे यार मेरे तो याद करके आओ ना, देखो इसको इसको बुला मिर्च हो गया कट हो गया, अभी बीट बॉक्सिंग मत। बस पता चला वो यहाँ नहीं है। अरे वाह अरे अपने बॉक्स को बराबर से पहना करो, गिर जाते हैं बार बार ठीक है। ये रहा तुम्हारा Just because I broke yours wasn't my fault.